दासजी आप प्रेजेंटिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग लाइक कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड राइट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड वी आर सो हैप्पी सो मच हैप्पी टू सी यू एंड इट इज़ ए एनकरेजमेंट फॉर अस टू लाइक यू नो टू हैव हॉबीज इन योर लाइफ सो मेक योर सेल्फ हैप्पी आई एम नॉट हैप्पी ओनली शी इज सिंगिंग बट हाउ शी मर्ज विद अस आप कैसे हमारे बीच में आती हैं और मिक्स हो जाती हैं हमें तो पता नहीं चलता कि उम्र का इतना भी गैप है इसके अंदर सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू बीइंग हियर एंड प्रेजेंटिंग योर सॉन्ग सो आप सब सुन रहे हैं बॉलीवुड टैलेंट क्लब का ये जैम सेशन विच वी आर ब्रॉडकास्टिंग टू स्टेटन आइलैंड स्टूडियो वेयर हम जहाँ पर हमें एक मौका मिलता है कि हम अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर सकें वाइल वी आर पॉलिशिंग आवर स्किल्स एज वेल तो हमें ये एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हम आपको निखारते हुए इस कार्यक्रम में हम अपने आप को अपने प्रोग्राम को प्रस्तुत कर सकते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर डॉक्टर नेमत एंड अगर कोई और भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है सीखना चाहता है अपने टैलेंट को निखारना चाहता है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है और अपनी हॉबीज़ को प्लीज़ बनाए रखिए और मैं समझती हूँ हॉबीज़ होना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव हॉबीज़ को कंटिन्यू रखना क्योंकि जानते हैं जो हॉबीज़ हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में उनकी उनकी कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमें एडिक्शन है हम ये हॉबी छोड़ना आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर हम नई आदत को अपनाते हैं तो वो अपने आप पीछे होती चली जाती हैं तो ऐसी आदत ऐसी हॉबी जो हमें खुशी भी देती है हमें कनेक्शन भी देती है और अपने आप को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका भी देती है एक प्रोडक्टिव वे में सो दैट्स ए वंडरफुल थिंग एंड आल्सो यू नो द हॉबीज लाइक सिंगिंग इन आवर लाइफ दे आर नॉट जस्ट यू नो हॉबीज बट एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर वेलबींग एंड पर्सनल ग्रोथ इज जस्ट नॉट पास्ट टाइम इट इज नॉट जस्ट पास्ट टाइम बट इट्स वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर वेलबींग एंड पर्सनल ग्रोथ वाइल इट इज मेकिंग अस टू कनेक्ट विद अदर्स फाइंडिंग रिलैक्सेशन ऑनरिंग आवर स्किल्स आर सिंपली एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ म्यूजिक हॉबीज एंड रिच आवर लाइफ इन काउंटलेस वेज अगला गाना आई इन्वाइट संगीता जी जो कि ब्यूटिफुल सॉन्ग है